हेलो दोस्तों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेरा ये कलेंचो का पौधा है। इसके देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। इसके छोटे छोटे फ्लावर आते हैं झुंड में। ये देखिए, ढेर सारे फूल एक साथ होते हैं, इसलिए ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोस्तों, इसकी फ्लावरिंग जनवरी से शुरू हो जाती है और ये काफी दिन तक चलती है। मार्च अप्रैल तक चलेगी इसकी फ्लावरिंग। ये बहुत प्यारे लगते हैं फूल। देखिए, आप देख पा रहे होंगे आप इसको। दोस्तों, इसकी केयर करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। बस इसको आप जो नॉर्मल फर्टिलाइजर बनाते हैं वही देते रहिए और पानी देते रहिए। पानी आप देख के ही दें, क्योंकि इसको देखो, मैंने पानी दिया था। देखिए, ऐसी मिट्टी है। इसको नॉर्मली पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर ओवर वाटरिंग की इसमें तो ये पौधा सड़ने का डर रहता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, छोटे छोटे से पौधे हैं मेरे। ये मैंने लगाए थे। इसमें से जो इसमें नई नई ब्रांचें निकलती हैं, उन्हीं ब्रांचों को अगर आप तोड़ के लगा देंगे तो ये आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक नई ब्रांच निकल रही है। इसमें दो चार लीफ और हो जाए, इसके बाद आप तोड़ के इसे यहाँ से तोड़ के अलग लगा दीजिए, आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगली साल उसमें अच्छी से फ्लावरिंग होगी। और जब इसके ये फ्लावरिंग आना बंद हो जाए तो आप इसको ऐसे यहाँ से तोड़ दें, इसे इसकी कटिंग कर दें किसी से, चाकू से या फिर कैंची से। वैसे तो ये हाथ से भी टूट जाता है, अगर आप ये इसे तोड़ देंगे तो और नए नए जो ब्रांच होंगे उनमें फूल आ रहे होंगे तो उन्हें ताकत मिलेगी थोड़ी। और देखिए कितने ये प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। ये काफी दिन तक टिकने वाला फूल है। और आप भी लगाइए, आपके आस पड़ोस में कहीं भी किसी के पास अगर ये पौधा है तो आप उससे ले लें, एक डाल ले लें, उससे आपका हो जाएगा। ये देखिए, एक छोटा सा पौधा मैंने एक ब्रांच तोड़ के लगा दी थी, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये बीच में है इसलिए दिखता नहीं है। और आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है इसकी। ये देखिए, इधर भी मैंने छोटी छोटी ब्रांचें लगा दी थी तो वो मेरी नई ब्रांच तैयार हो गई है। ये देखिए, इसकी जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो गई, हम इसे ये तोड़ देंगे, ऊपर से कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसको हम जो भी नई ब्रांचें आएंगी उन्हें अच्छे से लगा देंगे दूसरे गमले में, तो मेरा एक गमला और तैयार हो जाएगा और अगले साल के लिए। दोस्तों, इसे सर्दियों में तो धूप में रखना ही पड़ता है, लेकिन जब तेज गर्मी होती है, धूप तेज होती है, तो हम इसे छाया में रख देते हैं। अगर धूप में रखेंगे तो इसकी लीफ ऐसी थोड़ी रेड रेड सी हो जाती है। अगर आप छाया में रखेंगे तो इसकी लीफ एकदम ग्रीन हो जाएगी, तो वो देखने में चमकदार बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो उसको गर्मियों में छाया में रख देती हूँ, उसकी लीफ भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप देखिए इसकी कितनी मोटी मोटी लीफ है, ये देखिए। और जब ये हरा हरा हो जाता है गर्मियों में, तब भी ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब हरे हरे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने घर पे लगाइए, बहुत ही अच्छा पौधा है ये, ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।